कई बार ना यार मुझे मेरे बालों के लिए ना इतना ज्यादा मतलब बुरा फील होता है, गिल्टी फील होता है बेसिकली, और सॉरी फील होता है कि मैं बस अपना कुछ नया ट्राई करना होता है, कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करना है, तो बहुत सारा यू नो हीटिंग टूल्स हम यूज कर लेते हैं, कभी कर्ल करना है, कभी स्ट्रेट करना है, फिर उसको सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे भर भर के लगा लेते हैं, उसका रिजल्ट निकलता है ये, मतलब इतने ज्यादा रफ डल ड्राई मेरे बाल लग रहे हैं ना इस समय। और अगर मैं इनको हल्का से, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इनको हल्का से अगर अभी ऐसे करूंगी ना इलास्टिसिटी टेस्ट लेके देखूंगी तो ये टूट गया, मतलब ये इतना कमजोर बाल था, इतना वीक था कि आराम से, ओ माय गॉड। अच्छा एक और प्रॉब्लम पता है कि आई नो कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जैसे हिबिस्कस हो गया रेड कलर का जो फूल आता है, या फिर जो कड़ी लीव्स हो गए, वो मेरे बालों के लिए अच्छे, वो DIY अगर मैं उसको करूँ ना उसका ऑयल बना के फिर उसको थोड़ा ठंडा करके जब हम उसको अप्लाई करें, और पता है मेरे पास करी लीव्स और हिबिस्कस का जो पौधा है मेरे छत पे टेरेस गार्डन पे मेरा लगा भी हुआ है, बट इतना आलस होता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऑलरेडी इतना कुछ करना पड़ता है, वीडियो शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, सब कुछ इतना कुछ करना पड़ता है ना कि आई एम लाइक नहीं मैनेज कर पाती। बट कितना अमेजिंग होगा ना अगर कुछ ऐसा हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया ऑयल हो जिसके साथ में ना अपनी भर के ऑयल चंपी कर सको ना। आई थिंक मैंने लास्ट 2 बार से ऑयल चंपी भी नहीं की, तभी इतना बुरा हाल है भाई। गाइज मुझे तो मेरे डैमेज बालों का सलूशन मिल चुका है, अगर आपको भी बाल डैमेज्ड हैं और अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल एकदम सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी बन जाए कम एफर्ट्स में, DIYs लगाना चाहते हो लेकिन टाइम नहीं है, ट्राई करो मामर्थ की ये हिबिस्कस रेंज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामर्थ का हिबिस्कस हेयर ऑयल, इसके अंदर ना हिबिस्कस एंड करी लीव्स है जो आपके रिपेयर करेगा डैमेज बालों को और बालों को एकदम स्ट्रांग बनाएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके बालों की रूट्स को। तो अच्छी तरह से सबसे पहले मैं अपना हेयर ऑयलिंग करूंगी बालों की लेंथ के ऊपर भी, बालों की रूट्स पे भी अच्छी तरह से ऑयलिंग करूंगी, स्किप बिल्कुल मत करना। अच्छा मसाज करना बहुत जरूरी है, कुछ लोग ना मसाज नहीं करते, बट मसाज जब तक नहीं करोगे ऑयल की गुडनेस आपके स्कैल्प के अंदर जानी भी बहुत जरूरी है। एंड गाइस उसके बाद मैं अच्छी तरह से कॉम कर लेती हूँ एंड ओवरनाइट मैं ऑयलिंग करती हूँ, पूरी रात बालों के ऊपर जब तेल लगा रहेगा ना तो अगले दिन यार शैम्पू करके बाल इतने सही हो जाते हैं ना। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मामर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू, इसके अंदर हिबिस्कस है एंड करी लीव्स है, सेम रेंज है ना, तो इंग्रीडियंट्स आर सेम एंड दे आर रियली बेनिफिशियल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शैम्पू कर लूंगी, बालों को अच्छी तरह से रिंस कर लूंगी। गाइज फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, बाल कितने सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी लग रहे हैं, जितना डैमेज था ना बालों में से सारा रिपेयर हो गया एंड मुझे अच्छा लग रहा था, बालों में शाइन कितनी अच्छी आ गई है। मैं बाल को ना थोड़ा सा खींच खींच के भी देख रही थी, इलास्टिसिटी टेस्ट करके देख रही थी, ये बिल्कुल पास हो गए, बिल्कुल भी मेरे बालों में ब्रेकेज नहीं हुई। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली रेंज को ट्राई करो एंड अपने बालों को रिपेयर करो। मामर्थ के एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव भी है, एवरी टाइम वी बाय फ्रॉम देम मामर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड बाय दे 2025 मामर्थ ने एम किया 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करना एज एन इनिशिएटिव। इनका ना ऑफलाइन प्रेजेंस भी है, मतलब ऑफलाइन स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, मामर्थ के प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन अमेजॉन नायका फ्लिपकार्ट मामर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे तो आपको मिलेंगे, साथ साथ में ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे। तो जब भी आपके आसपास कोई भी मामर्थ का आपको स्टोर दिखे वहां पे विजिट जरूर करना। I love it, बहुत अच्छी शाइन भी ऐड हो गई है मेरे बालों में। प्रोडक्ट के परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो मेरा कूपन कोड है SWATI2024 आप जरूर यूज़ कर लेना, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। मेरा वाला कूपन कोड सिर्फ मामर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे चलेगा और आपका कहीं नहीं चलेगा, वैसे ये वाले प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन नायका फ्लिपकार्ट मामर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट ऐप एंड आपके नियर बाई स्टोर्स में भी मिल जाएंगे। एंड या आई एम लविंग माई हेयर, मतलब अगर डेली अगर ऐसे अच्छे अच्छे से बाल हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है ना। थैंक यू, कुछ तो मैंने ढंग का किया अपने बालों के लिए, ये देखो जरा शाइन कितनी अच्छी। अभी कुछ कोई स्ट्रेटनर नहीं उसके, मैंने सिर्फ अपने बालों को सिखाया था ब्लो ड्राई के साथ एंड वाओ ये देखो जरा, आई लव इट। चलो बाय।